कहते हैं ना कि हुनर सबके अंदर होता है, बस उसे निखारने का जज्बा और जुनून होना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाला इंसान सफलता का रास्ता तलाश ही लेता है। कुछ ऐसे ही बुलंद हौसलों के इंसान और एक किसान के बेटे जो कभी गांव में 6 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी किया करते थे, लेकिन आज वे 100 करोड़ से अधिक की कारोबार करने वाली स्वदेशी कंपनी के मालिक हैं। इस कंपनी की शुरुआत महज 1800 रुपए से की थी, लेकिन अपनी मेहनत के पसीने से सींच कर इसे सौर उत्पादों एक सफल और प्रसिद्ध कंपनी बना दिया। इनकी कंपनी नवीनकरण और घरेलू उपयोग के लिए स्वदेशी सोलर और तकनीकी उत्पाद बेचने वाली शीर्ष कंपनियों में से एक है, साथ ही बहुत से लोगों को रोजगार भी दे रही है। प्रवीण की सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। स्वदेशी कंपनी के संस्थापक प्रवीण का जन्म कर्नाटक के दावणगेरे शहर के देवारा हुल्लनी गाँव में हुआ था। एक किसान के घर में पैदा होने के कारण प्रवीण के जीवन में सुविधाओं का अभाव था। माता पिता किसानी के साथ खेतों में मजदूर भी किया करते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रवीण भी अपने माता पिता के साथ खेतों में मजदूरी किया करते थे। मजदूरी के बदले उन्हें हर दिन 6 रुपए मिलते थे। प्रवीण का गांव इतना पिछड़ा था कि यहां ना तो नियमित रूप से बिजली रहती थी और ना ही 8वीं कक्षा से आगे कोई स्कूल था। आगे पढ़ने के लिए उन्हें गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। वह अपने गांव में 10वीं कक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक विशेष उपलब्धि थी। अभाव में रहने वाले परिवार ने प्रवीण के 10वीं पास करने के बाद बेहतर जीवन का सपना देखा, क्योंकि खेती और मजदूर से केवल पेट ही भरा जा सकता है। इसलिए परिवार दावणगेरे शहर आ गया, जहां से प्रवीण ने 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान अपनी आजीविका चलाने के लिए और पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक फार्मेसी स्टोर पर पार्ट टाइम नौकरी की। उन्हें वेतन के रूप में हर महीने 600 रुपए मिलते थे। प्रवीण का व्यवसायिक कैरियर ग्रेजुएशन के बाद 2006 में पार्ले जी कंपनी में नौकरी करने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने कोका कोला, विप्रो और योयो जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के बतौर सेल्समैन 15 साल काम किया। योयो में काम करते हुए वह इसके फाउंडर रितेश अग्रवाल की सोच से प्रभावित हुए और तभी प्रवीण को पहली बार आभास हुआ कि वह भी खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। यहीं से उनकी उद्यमशीलता की शुरुआत हुई। कोविड महामारी में प्रवीण की नौकरी चली गई। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वह अपना खुद का व्यवसाय करेंगे। अपनी पत्नी चिन्मय की मदद से अपने ख्वाब को अंजाम देना शुरू किया। शुरुआत में वह निर्माता से उधार पर सोलर वाटर हीटर खरीदते थे और उन्हें बेचने के बाद वह उनका उधार चुकाते थे। जब वह सोलर वाटर हीटर बेचते थे तो कई ग्राहक अन्य घरेलू उपकरणों जैसे वाटर प्यूरिफायर, गीजर आदि के बारे में पूछते थे। तब प्रवीण ने सोचा कि वह अपने खुद के उत्पाद बनाकर भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। साल 2020 की शुरुआत में प्रवीण ने मैसूर में स्वदेशी ग्रुप नाम से अपना सौर उत्पादों से संबंधित स्टार्टअप शुरू किया। अपने बचाए हुए 1800 रुपए से उन्होंने कंपनी का पंजीकरण कराया। उन्होंने अपना बिजनेस आइडिया अपने निर्माता को बताया, जिससे वह अपना सामान उधार लेकर बेचते थे। वह निर्माता प्रवीण के आइडिया से काफी प्रभावित हुआ। बिजनेस शुरू करने के लिए उसने प्रवीण को 10 लाख रुपए दिए। इन पैसों की मदद से प्रवीण ने शोरूम खोला और सौर ऊर्जा से चलने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे सोलर वाटर हीटर, इन्वर्टर, बैटरी वाटर प्यूरिफायर, ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल और अन्य उत्पादों को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता ही गया। आज स्वदेशी कंपनी लगभग 150 करोड़ का बिजनेस करती है। दोस्तों, एक बार जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तब आपको आपके संघर्ष भी अच्छे लगने लगेंगे। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां तो आती रहेंगी, आप बस अपने लक्ष्य को हासिल करने में जी जान लगा दो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।